नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो गई है और आज सत्र का दूसरा दिन है। वहीं आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज सदन में लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवारों का नामांकन हुआ है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने अपने स्पीकर के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने ओम बिरला को दोबारा स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने ओम बिरला के खिलाफ के सुरेश को उतारा है। नामांकन दाखिल होने के बाद कल स्पीकर का चुनाव किया जाएगा, लेकिन इस बीच ओम बिरला के नाम को लेकर काफी चर्चा हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि ओम बिरला आखिर हैं कौन और क्यों बीजेपी ने एक बार फिर ओम बिरला पर अपना भरोसा जताया है। तो चलिए आपको ओम बिरला के सियासी सफर के बारे में विस्तार से बताते हैं। 18वीं लोकसभा में स्पीकर पद के लिए आज नामांकन हो गया है और कल स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। वहीं भाजपा ने एक बार फिर ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया है। जी हां, राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला 18वीं लोकसभा में स्पीकर पद के लिए बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। ओम बिरला इससे पहले 17वीं लोकसभा के स्पीकर थे। ओम बिरला का स्पीकर बनना तय माना जा रहा है। ओम बिरला अगर स्पीकर बन जाते हैं तो वो कांग्रेस नेता बलराम जाखड़ के बाद लगातार स्पीकर बनने वाले दूसरे नेता होंगे। बता दें, ओम बिरला की गिनती बीजेपी के दिग्गज नेताओं में होती है, तो वो 2003 में पहली बार कोटा दक्षिण विधानसभा सीट से जीतकर राजस्थान विधानसभा पहुंचे। 2008 में वो दूसरी बार कोटा दक्षिण से विधायक चुने गए। 2013 में उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई और लगातार तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में ओम बिरला कोटा बूंदी निर्वाचन क्षेत्र से 2 लाख से अधिक वोटों से जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने दूसरी बार जीत दर्ज की और संसद पहुंचे, जहां सर्वसम्मति से उन्हें 17वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया। सदन अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उन्होंने सदन की कई पुरानी परंपराओं को बदला। कागजों पर चलने वाली संसदीय कार्यवाही को टैबलेट और मोबाइल पर डिजिटल स्वरूप देने का काम ओम बिरला ने किया। वहीं एक बार फिर ओम बिरला लोकसभा पहुंचे हैं। ओम बिरला का राजनीतिक सफर 4 दशक से ज्यादा का समय पार कर चुका है। कई उतार चढ़ाव के साथ उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत की और उसमें एक सफल नेता बनकर भी उभरे। यही कारण है कि आज उनकी गिनती भाजपा के दिग्गज नेताओं में होती है, लेकिन इस बार उनकी अग्नि परीक्षा होने वाली है क्योंकि इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस नेता से है। ऐसे में तीसरी बार ओम बिरला स्पीकर पद पर बैठ जाते हैं कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, हाथ के हाथ।